हेलो, वेलकम, नमस्ते। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे बात की थी आइल्स की, यानी कि ए एन और ध की, और काफ़ी छोटा सा, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो आपने काफ़ी अच्छे से सीख भी लिया था। आज मैं आपसे एक बहुत मज़ेदार बात करने वाली हूँ। बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी चीटिंग सिखाने वाली हूँ, मतलब एग्जाम वाली चीटिंग नहीं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वाली चीटिंग सिखाऊंगी। कैसे सिखाऊंगी? ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो आपका काम फिक्स कर देंगे। हाँ, सच में वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। दोनों वर्ड्स के आगे ही फिक्स है, इसलिए काम तो आपका फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे ये जल्दी से बता देती हूँ। बेसिकली प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, तीन चार लेटर के वर्ड्स होते हैं, जो कि आप किसी भी वर्ड के पहले और बाद में डाल सकते हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स के आगे हम प्रीफिक्स और सफिक्स डालते हैं। अब अगर मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी तो आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं, ये वर्ड के आगे एक्चुअली प्रीफिक्स डाला हुआ है, ये तो हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं आपको कॉमन प्रीफिक्सेस भी आज सिखा दूंगी और सफिक्सेस भी आज सिखा दूंगी। तो ये वर्ड्स की खासियत ये है कि अगर मैं इनको मेन वर्ड से अलग कर दूँ ना तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसका, ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स है ही नहीं। पर इनको आप कई सारे वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आज समझाऊंगी। लेकिन आपका काम क्यों फिक्स करेंगे? क्योंकि आपका इंग्लिश वोकैबुलरी सही करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये आपका चीटिंग मेथड है। यानी कि वर्ड एक सीखा, उसके आगे के प्रीफिक्स सफिक्स सीख लिए और एक साथ आपने तीन चार वर्ड सीखे हैं। सीखने तो है ही, मेहनत तो करनी ही है, तभी तो इंग्लिश में अच्छे से बात करेंगे। कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ प्रीफिक्सेस की। तो प्रीफिक्स, तो ये जो वर्ड है प्री, उसका मतलब है पहले। तो ये वर्ड्स जो है, प्रीफिक्सेस जो है, इनको किसी भी वर्ड के पहले डाला जाता है ताकि उस वर्ड का न्यू मीनिंग आ जाए। तो अगर आप किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स डालोगे तो उस वर्ड का मतलब काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो एक ही रूल होता है प्रीफिक्स में कि जब आप इसको किसी भी वर्ड के साथ डालते हैं तो उस वर्ड के किसी भी लेटर को आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड है बस उसके आगे आपका तीन या चार लेटर का प्रीफिक्स डाल दो और एक नया वर्ड मिल गया। इतना सिंपल है, सिर्फ यही रूल है और कोई रूल नहीं है। मैं आपको कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस भी सिखा देती हूँ और उनका मतलब क्या है वो भी सिखा देती हूँ, फिर आप अपने आप उनको अलग अलग वर्ड्स में डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है डिस। डिस मतलब नॉट, यानी कि किसी भी वर्ड का ऑपोजिट मुझे अगर करना है तो मैं डिस कर सकती हूँ। काफ़ी वर्ड्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं अग्री को कहूँगी कि मैंने आपके साथ आपकी बात मान ली तो मैंने कहा अग्री, और अगर मैं कहूँ डिस अग्री तो मतलब मैंने आपकी बात नहीं मानी, हो गया ना ऑपोजिट। वैसे ही ओबे करना मतलब बात मानना, और डिस ओबे करना मतलब बात नहीं मानना। एडवांटेज मतलब अच्छी चीज़ यानी कि बेनिफिट, और डिसएडवांटेज मतलब बुरी चीज़ यानी कि ड्रॉबैक। तो ये जो डिस हमने डाला इससे ये हो गए कंप्लीट ऑपोजिट। तो नॉट अगर कहना है तो मैं डिस यूज कर सकती हूँ। वैसे ही डिस का भाई हो गया मिस, भाई नहीं है पर थोड़ा सिमिलर मीनिंग है। अगर मुझे ये कहना है कि कुछ गलत हुआ है तो मैं मिस यूज कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं स्पेल के आगे डालूँ मिस, तो मैं कहूँगी उसको मिस स्पेल, यू हैव मिस स्पेल्ड द वर्ड, मतलब आपने गलत तरीके से उसको स्पेल किया है। वैसे ही अगर मैं कहूँ मिस बिहेव, मतलब गलत तरीके से बिहेव करना को कहते हैं मिस बिहेव। वैसे ही मिस यूज, गलत तरीके से यूज करने को कहेंगे मिस यूज। है ना सिंपल? देखते ही देखते छह वर्ड तो आप सीख ही चुके हैं, इतना फास्ट है, बहुत चीटिंग वाला अच्छा मेथड है ये। वैसे ही एक और प्रीफिक्स हम सीख सकते हैं, वो है अन। अन भी हम ऑपोजिट करने के लिए करते हैं। जैसे हम पीसी में अगर कुछ कर देते हैं और फिर कंट्रोल सेट करते हैं तो हो जाता है ना अनडू। अन डू, डू मतलब करना, अनडू मतलब उसको रिवर्स करना। तो कुछ को ऑपोजिट करने के लिए हम अन यूज कर सकते हैं। वैसे ही अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब ऐसा जो बराबरी का नहीं है। वैसे ही अनयूजुअल, कुछ ऐसा जो कि हमारे यूजुअल से अलग है। यूजुअल का मतलब है ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल में चल रहा है। अनयूजुअल मतलब कुछ अलग, मतलब उसका ऑपोजिट हो गया अनयूजुअल। तो ये हो गए नए नए वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स ऐड करके बना रही हूँ मैं ये वर्ड्स। वैसे ही अगर मैं डालूँ री, तो री का मतलब है रिपीट, यानी कि अगेन, फिर से करना। वैसे अगर मैं कहूँ रिएक्ट,
तो मतलब एक पर्टिकुलर वे में अगर किसी ने रिस्पॉन्ड किया है, कभी कभी बोलते हैं ना ये कैसा रिएक्शन दे रहे हो तुम मुझे, तो रिएक्ट करना, एक्ट और री को ऐड करके बनता है रिएक्ट, फिर से एक्ट करना। वैसे ही रीअपियर मतलब दोबारा प्रकट हो जाना, रीअरेंज का मतलब फिर से चीज़ों को अरेंज करना। वैसे ही री की तरह एक और प्रिफिक्स है इंटर, ये काफ़ी अलग है कि इंटर का मतलब है बिटवीन। ये सारे प्रिफिक्सेस एक ही फैमिली में आते हैं, प्रिफिक्स की फैमिली में। बिटवीन का मतलब है बीच में, यानी कि अगर मैं कहूँ इंटरनेट, कॉमन वर्ड है ना, नहीं मालूम था ना कि नेट अलग है और इंटर अलग है। हकीकत में इंटर और नेट को जोड़ के बना है आपका ये इंटरनेट, जिसने आपको इतना बेनिफिट दिया है आपके फ़ोन में जो है इंटरनेट। इंटरनेट का असली मतलब होता है वो नेटवर्क्स जो एक दूसरे के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। वैसे ही हो गया इंटरनेशनल, ये भी कॉमन वर्ड है, नेशनल मतलब इस देश का, इंटरनेशनल मतलब दूसरे देश का। वैसे ही इंटरनेशनल का मतलब हो गया देशों के बीच में, बोलते हैं ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मतलब एक देश से दूसरे देश जा रहा हूँ, तो देशों के बीच का ट्रैवल हो गया इंटरनेशनल ट्रैवल। वैसे ही इंटरकनेक्टेड का मतलब है कोई भी दो चीज़ें अगर इंटरकनेक्टेड है तो वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो एक और प्रिफिक्स मैं आपको सिखाती हूँ, उसको हम बोलते हैं प्री। तो प्रिफिक्स की फैमिली में भी आ गया प्री, और प्रीफिक्स वर्ड के अंदर भी आ गया प्रिफिक्स प्री। कंफ्यूज मत होइए, इतना समझिए कि प्री जो है उसका मतलब है बिफोर, यानी कि पहले। तो अगर मैं कहती हूँ प्री स्कूल, तो हमारा जो नॉर्मल स्कूल होता है जो कि केजी से शुरू होता है, उसके पहले जहाँ बच्चे जाते हैं उसको बोलते हैं प्री स्कूल। आपके आसपास होंगे कई सारे प्री स्कूल्स। वैसे ही प्रीपेड, काफी लोगों के प्रीपेड सिम कार्ड होते हैं ना, बिल नहीं चाहिए, पहले से भर दो। प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले से भर दो, तो प्रीपेड इसीलिए नाम है। वैसे ही प्री की तरह पोस्ट होता है, पोस्ट का मतलब बाद में भरो, इसलिए पोस्टपेड में बिल आता है। वैसे ही है प्रीफिक्स, आपका काम फिक्स कर देगा ये प्रीफिक्स, मतलब कि ऐसी चीज जो कि वर्ड के पहले आती है, तो ये हो गया प्रीफिक्स। अगर इतना समझ चुके हैं तो ये भी जल्दी जल्दी समझ जाइए कि नॉन क्या होता है। नॉन जो है वो बहुत ही कॉमन प्रीफिक्स है, इसका मतलब है नॉट, यानी कि कुछ ऐसा जो नहीं है। वैसे ही कहूँ नॉन फिक्शन, तो नॉन फिक्शन का मतलब ये है कि कुछ ऐसा जो फिक्शन नहीं है। फिक्शन का मतलब ये जो मनगणित है, जो ऑथर्स लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं, अपने मन से बनाते हैं, जो सच नहीं होता वो फिक्शन होता है। जो किताबें हैं, जो पिक्चरें हम देखते हैं, वो सब फिक्शन है। नॉन फिक्शन मतलब वो जो फिक्शन नहीं है, यानी कि वो जो कि सच है। तो ऐसी किताबें होती है नॉन फिक्शन की। फिर है एक हमारा वर्ड नॉनसेंस, जिसमें सेंस ही नहीं है वो नॉनसेंस है। फिर एक वर्ड है नॉन एग्जिस्टेंट, कुछ ऐसा जो है ही नहीं उसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि एग्जिस्टेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो कि है, तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया उसका उल्टा, कुछ ऐसा जो कि है ही नहीं। वैसे ही अगर सुपर की बात करूँ, बोलते ना सुपरमैन, वैसे ही सुपर का मतलब है अबाव। तो अगर मैं कहूँ सुपर स्क्रिप्ट, तो उसका मतलब है कुछ ऐसा जो लाइन के ऊपर प्रिंट किया है। अबाव का मतलब ऊपर होता है, तो लाइन के ऊपर लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ है उसको बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। वैसे ही कहते हैं सुपरमैन, ऐसा आदमी जो सबके ऊपर है, तो हमारा जो है ना सुपरमैन, उसका नाम ऐसे रखा गया है। वैसे ही हम कहते हैं ना सुपरस्टार, ये एक्टर तो सुपरस्टार है, मतलब बाकी सारे एक्टर्स भी स्टार्स हैं, लेकिन ये वाले जो है ये तो उनसे भी ऊपर है, सुपरस्टार है, तो ऐसे यूज होता है सुपर। सुपर के जैसा एक और होता है सब। सब का मतलब होता है अंडर, सुपर का मतलब था अबव, ये है अंडर। तो अगर मैं कहूँ सब मर्ज, तो सब मर्ज का मतलब है कि कुछ ऐसा जो कि पानी के अंदर चला गया हो, नीचे चला गया हो, जैसे सब मरीन होता है ना, सब मरीन भी पानी के नीचे जाता है, तो वैसे ही सब मर्ज का मतलब है पानी के नीचे जाना। सब वे, वो खाने वाला सब वे नहीं, फॉरेन कंट्रीज में जो नीचे की ट्रेन्स होती है, जो अंडरग्राउंड होती है, उन्हें हम सबवे कहते हैं, जो कि यहाँ पे जिन्हें हम मेट्रोस कहते हैं, जो कि अंडरग्राउंड रहती है, वहाँ उन्हें सबवे कहते हैं। तो सबवे जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि नीचे वाला ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। वैसे ही है सब कॉन्शियस,
अब सबकॉन्शियस एक बहुत ही डीप वर्ड है। आपका जो मन है उसे कहते हैं कॉन्शियस। वैसे ही जो सबकॉन्शियस है वो आपके माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो हमसे छुपा हुआ है, जो ऊपर वाले दिमाग के थोड़ा अंदर है, थोड़ा नीचे है, इसीलिए उसे कहते हैं सबकॉन्शियस। वैसे ही होता है एंटी। एंटी तो आपने पहले सुना ही होगा। याद रखिए, आंटी नहीं है, हाँ एंटी है। कुछ लोग इसे एंटाई भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके सही है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, इसके खिलाफ, ऑपोजिंग। तो अगर मैं कहूँ एंटी बैक्टीरियल, तो उसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया को आने नहीं देगा। मतलब अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे पढ़ लिया कि ये एंटी बैक्टीरियल है, तो उसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया को वहाँ आने नहीं देगा। कोई अगर एंटी सोशल है, तो कोई ऐसा इंसान है कि सोशल गैदरिंग्स में आता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, बस कोई ऐसा इंसान जो सोशल तो बिल्कुल नहीं है, तो वो है एंटी सोशल। वैसे ही एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो जब से कोरोना वायरस आया है तब से हम सब ने सीख लिया, और वो है एंटीबॉडी। वैक्सीन लगा लोगे तो एंटीबॉडी बन जाएगी, कोरोना हो जाएगा तो एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ये एंटीबॉडी है क्या? हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। लड़ लेता है वो वायरस से, इसीलिए वायरस के खिलाफ जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। कितने कॉमन वर्ड्स हैं आपकी लाइफ में, आपने ये वर्ड्स कितनी ज़्यादा बार सुने हैं। लेकिन इन सब वर्ड्स में आगे कुछ है, और उस कुछ को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ये सारी चीज़ें आप दूसरे वर्ड्स के आगे भी लगा सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे ही एक और प्रीफिक्स है इम, ये वाला लास्ट प्रीफिक्स। इसका मतलब है नॉट, यानी कि विदाउट, यानी कि कुछ ऐसा जो कि नहीं होगा। तो अगर मैं पॉसिबल के आगे इम डाल दूं तो वो हो गया इम्पॉसिबल, यानी कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। प्रॉपर के आगे इम डाल दूं तो बन जाएगा इम्प्रॉपर, यानी कि ये चीज़ सही नहीं है। पेशेंट के आगे इम डाल दूं तो हो गया इम्पेशेंट। हॉस्पिटल वाले पेशेंट की बात नहीं कर रही, जो हमारे अंदर कामनेस है, जो शांति है, जो हमारा पेशेंस है, उसकी बात कर रही हूँ। और कोई इंसान जो शांत बैठ ही नहीं सकता, वो है इम्पेशेंट। तो ये तो आपने बहुत सारे प्रीफिक्सेस और बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं, तो अभी के लिए इतना ही। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, हाँ अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।